मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में आगामी 3 दिसंबर को मतगणना होनी है। मतगणना की तैयारी को लेकर निर्वाचन विभाग अलर्ट पर है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन उज्जैन पहुंचे हैं। यहां उन्होंने सबसे पहले बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं। इसके बाद वे इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने मतगणना स्थल का निरीक्षण किया है। छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम की ख्याति अब देश दुनिया तक जा पहुंची है। बागेश्वर धाम के दर्शन के लिए देश दुनिया से श्रद्धालु बाबा के दरबार में आते रहे। अब दुबई के बड़े व्यवसायी और दर्जनों कंपनियों के मालिक डॉक्टर अबू अब्दुल्ला बागेश्वर धाम पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बाबा के दर्शन कर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी से मुलाकात की। कुक्षी पुलिस ने पिकअप वाहन से लाखों की अवैध शराब को जब्त किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कोलगांव फाटे पर नाकाबंदी कर पिकअप वाहन से करीब 8 लाख रुपए की शराब जब्त की है। पुलिस कार्रवाई में शराब तस्कर वाहन छोड़कर फरार हो गए, जिनकी तलाश भी पुलिस टीमें कर रही है। पुलिस ने लोडिंग वाहन को जब्त कर अज्ञात पर आबकारी एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। चुनाव परिणामों से पहले एक बार फिर से मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार कर्ज लेने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 28 नवंबर को मध्य प्रदेश सरकार 2000 करोड़ का कर्ज लेगी। ऐसे में साल अब तक सरकार 38,500 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। दावा किया जा रहा है कि नई सरकार के गठन की व्यवस्थाओं के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के भुगतान के लिए कर्ज ले रहे हैं। इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज शनिवार को सामने आया। वीडियो में दिख रहा है कि ऑटो दाहिने तरफ से आकर जल्दबाजी में रोड क्रॉस करना चाह रहा था, तभी तेज रफ्तार कार सामने आई और ऑटो में सामने से भिड़ गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार ऑटो को लगभग 50 फीट आगे तक घसीटते ले गई। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।